ये जो 26 तारीख को लाल किले और दिल्ली के अन्य भागों पर जिस तरह से हिंसा और उपद्रव संगठित हुआ था, उसमें ये दीप सिद्धू नामक का शख्स प्रमुख भूमिका निभाया था। इसकी तस्वीरें पब्लिक डोमेन में है, आप सबने देखा है। इस आरोपी दीप सिद्धू के ऊपर 1,00,000 रुपया का इनाम भी घोषणा किया गया था। इस आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, आगे की तफ्तीश जारी है। 26 जनवरी को प्रदर्शनकारियों का एक वर्ग किसान ट्रैक्टर परेड के निर्धारित मार्ग से अलग हो गया और लाल किले पर पहुंच गया। वहां उन्होंने लाल किले पर निशान साहिब और किसानों के हरे पीले झंडों को फहराया। जब यह घटना हुई तब दीप सिद्धू वहां मौजूद थे और वीडियो बना रहे थे। इसके बाद से ही दीप सिद्धू चर्चा में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अभिनेता और बीजेपी के सांसद सनी देओल के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। आइए किसान आंदोलन में दीप सिद्धू की भागीदारी, राजनेताओं और फिल्म जगत के लोगों के साथ उनके संबंधों पर एक नजर डालते हैं। दीप सिद्धू सितंबर 2020 में किसान आंदोलन में शामिल हुए और जल्द ही सोशल मीडिया पर काफी ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे। दीप का अंग्रेजी लहजे में पुलिस अधिकारियों के साथ बहस करने का एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ, जिसमें उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता था कि यह एक क्रांति है। इस वीडियो में वो दक्षिण एशिया की भू राजनीति को परिभाषित करने जैसी बातें कह रहे थे। इसी वीडियो के बाद दीप सिद्धू ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो दीप सिद्धू सहित सभी कह रहे थे कि वो किसानों के लिए और किसान नेताओं के नेतृत्व में, यानी कि यूनियनों के बैनर तले इस आंदोलन में शामिल हैं। लेकिन कुछ समय बाद दीप सिद्धू ने किसान नेताओं के फैसलों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और सिंघू बॉर्डर पर अपना खुद का अलग मंच बना लिया। हालांकि उनके अधिकांश भाषण 3 कृषि कानूनों की जगह भारत के संविधान में गैर संघीय ढांचे पर केंद्रित थे। कृषि कानूनों के बारे में बात नहीं करने के लिए किसान संगठनों ने उन्हें सिंघू बॉर्डर के मुख्य मंच से बोलने से रोक दिया था। दीप सिद्धू अपने सोशल मीडिया पर जरनैल सिंह भिंडरावाले के बारे में पोस्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से किसान संगठनों ने उनसे खुद को दूर कर लिया है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की घोषणा के बाद दीप सिद्धू फिर से सक्रिय हो गए और उन्होंने इस मार्च के लिए लोगों को जुटाना शुरू कर दिया। सोमवार को दीप सिद्धू और लाखा सिधाना ने सिंघू बॉर्डर के मुख्य मंच से कहा कि वो दिल्ली के अंदर जाएंगे और पुलिस और संगठनों की ओर से तय मार्ग के अलावा मार्च करेंगे। इसके बाद मंगलवार को प्रदर्शनकारी किसानों का एक दल लाल किले पर पहुंचा और दीप सिद्धू को वहां देखा गया। दीप सिद्धू ठीक उस जगह मौजूद थे जहां लोगों ने लाल किले पर झंडा फहराया और उन्होंने उसी जगह पर एक वीडियो भी बनाया। दीप सिद्धू ने लाल किले की घटना के बाद रात को फेसबुक लाइव के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि हमने कोई झंडा नहीं उतारा, बल्कि अपना निशान साहिब और किसान मजदूर एकता का झंडा वहां लहराया। दीप सिद्धू के देओल परिवार के साथ संबंधों को लेकर सिद्धू और सनी देओल के अलग अलग दावे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दीप सिद्धू की तस्वीरों के आधार पर सिद्धू पर भाजपा और आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि उन्होंने इन आरोपों का बार बार खंडन किया है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी दीप सिद्धू की उन तस्वीरों को ट्वीट किया है जिनमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ देखे जा सकते हैं। दीप सिद्धू ने अपने एक पुराने फेसबुक लाइव में दावा किया था कि वे अभिनेता सनी देओल के चुनाव अभियान के दौरान भाजपा से जुड़े थे। उन्होंने भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात भी की थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें भाजपा में शामिल करने के प्रयास भी किए गए थे, लेकिन उन्होंने वैचारिक मतभेद के कारण ऐसा करने से इनकार कर दिया। दीप सिद्धू के फेसबुक प्रोफाइल पर वरिष्ठ अभिनेता और सनी देओल के पिता धर्मेंद्र और सनी के भाई बॉबी देओल के साथ भी उनकी तस्वीरें हैं। हालांकि लाल किले की घटना के बाद सनी देओल ने अपने और अपने परिवार का संबंध दीप सिद्धू के साथ होने से इनकार कर दिया है। सनी देओल ने ट्वीट किया है कि लाल किले में जो हुआ उसे देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने 6 दिसंबर को ट्विटर पर पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ना तो मेरा और ना ही मेरे परिवार का दीप सिद्धू से कोई संबंध है। अपने 6 दिसंबर के ट्वीट में सनी देओल ने किसानों के आंदोलन को सरकार और किसानों के बीच एक पारस्परिक मुद्दा बताया था और दीप सिद्धू के बारे में भी स्पष्ट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखित बयान की एक तस्वीर भी साझा की थी।
उन्होंने लिखा था कि दीप सिद्धू जो चुनाव के समय मेरे साथ थे, लंबे समय से मेरे साथ नहीं हैं। वे जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, मेरा उनकी किसी भी गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। दीप सिद्धू का पैतृक गांव उदयकरण है, जो पंजाब के मुक्तसर साहिब जिले में पड़ता है। बटिंडा के रहने वाले दीप के चाचा विधि सिंह ने बीबीसी को बताया कि वे 6 भाई थे और दीप के पिता सरदार सुरजीत सिंह पेशे से वकील थे। उन्होंने कहा कि सुरजीत सिंह के 3 बेटे हैं, जिनमें से नवदीप सिंह इस समय कनाडा और मनदीप कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि दीप दिल्ली में किसान आंदोलन में शामिल हैं। दीप के चाचा विधि सिंह के अनुसार उनका परिवार खेती करता है, लेकिन दीप के पिता एक वकील के रूप में लुधियाना में कानून का अभ्यास करते थे और लगभग 3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। दीप के बारे में विधि ने बताया कि वो कानून की पढ़ाई करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे गया था और उसके बाद वो मुंबई में बस गया और वहां पर ही उसने कानून का अभ्यास भी शुरू कर दिया। विधि सिंह ने कहा कि दीप मुंबई में अच्छी तरह से बस गया था। उन्होंने बताया कि पहले दीप ने बालाजी फिल्म्स के लिए वकील के रूप में काम किया, धीरे धीरे वह देवोल परिवार के करीब हो गया और यहीं से उन्होंने फिल्मी दुनिया में प्रवेश किया। दीप शादीशुदा हैं और उनकी एक बेटी है। विधि सिंह के अनुसार देओल परिवार से निकटता के कारण ही जब सनी देओल ने गुरदासपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा तो दीप सिद्धू ने उनका पूरा साथ दिया। साल 2017 में गीतकार से फिल्मकार बने अमरदीप सिंह गिल की फिल्म जोरा 10 नंबरिया में जोरा के किरदार ने पंजाबियों को दीप सिद्धू से परिचित कराया। उसी समय उन्होंने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया। दीप ने मुंबई में एक मॉडल के रूप में कई फैशन शोज में हिस्सा लिया और अंत में मॉडल से अभिनय की ओर बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी। देओल परिवार के घरेलू बैनर विजेता फिल्म्स के तहत दीप ने साल 2015 में हीरो के रूप में अपनी पहली पंजाबी फिल्म रमता जोगी में काम किया। फिल्म का निर्देशन गुड्डू धनोवा ने किया था, जिन्होंने सनी देओल की कई फिल्मों का निर्देशन किया है। हालांकि यह फिल्म दीप को सुर्खियों में नहीं ला पाई। इसके बाद साल 2019 में वे वरिष्ठ पंजाबी अभिनेता गुग्गू गिल के साथ फिल्म साडे आले में दिखाई दिए। साल 2020 में अमरदीप सिंह गिल के निर्देशन में जोरा का दूसरा भाग जोरा सेकंड चैप्टर रिलीज हुआ, जिसमें धर्मेंद्र पहले की तरह दीप सिद्धू के साथ थे और उनके अलावा गुग्गू गिल भी थे। जोरा नामक दोनों फिल्मों में अब तक दीप सिद्धू एक गैंगस्टर की भूमिका में दिखाई दिए हैं।